रिलायंस जियो से बात करने में मुश्किल हो रही है। ग्राहकों को दिक्कत के बावजूद टेलीकॉम कंपनियां डटी हुई हैं। सरकार ने कहा है कि कंपनियां आपस में बैठकर मसला सुलझाएं। अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कल जियो और बाकी कंपनियों की बैठक बुलाई है। एक तरफ जियो नेटवर्क है और दूसरी तरफ बाकी टेलीकॉम कंपनियां। एक तरफ मुफ्त की कॉल है और दूसरी तरफ सस्ती कॉल दरें करने का दबाव। एक तरफ कॉल ड्रॉप के आरोप है और दूसरी तरफ फ्री कॉल्स की पाठ न सहने की शिकायत। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की जियो सर्विस शुरू होने के साथ ही जियो की कॉल ड्रॉप का मामला गर्म हो गया। इसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी जिस दिन मुकेश अंबानी ने जियो सर्विस का ऐलान किया। In fact, in the last week alone, Jio customers suffered over 5 crore call failures to other networks because of insufficient interconnect capacity. This gives our customers the impression that voice is not working. रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी ने ये बातें तब कही थी जब रिलायंस जियो के सिम कार्ड ट्रायल के तौर पर करीब 30 लाख लोग पूरी तरह से मुफ्त इस्तेमाल कर रहे थे। इन 30 लाख में ज्यादातर रिलायंस समूह के कर्मचारी हैं, जबकि 5 सितंबर के बाद शुरू की गई व्यावसायिक सेवा के बाद खासी संख्या में आम लोग शामिल हुए हैं। इन सभी को फिलहाल कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि जियो के सिम से किसी दूसरे मोबाइल ऑपरेटर के कनेक्शन पर बातचीत करना फिलहाल आसान नहीं होगा। दरअसल सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के माध्यम से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की है और दो टूक शब्दों में कहा है कि वो अब तक जितने इंटरकनेक्ट प्वाइंट मुहैया करा चुके हैं उससे कहीं ज्यादा मुहैया कराना संभव नहीं। इंटरकनेक्ट प्वाइंट के जरिए ही एक कंपनी के सिम से किया गया फोन दूसरी कंपनी के सिम पर पूरा होता है। कंपनियों की दलील है कि अब तक जितने इंटरकनेक्ट प्वाइंट मुहैया कराए गए वो टेस्ट सर्विस के लिए पर्याप्त हैं। जियो 5 सितंबर से 31 दिसंबर तक मुफ्त में सेवा मुहैया करा रही है, यानी डेटा कॉल्स पर कोई पैसे नहीं ले रही, इसलिए इसे तकनीकी तौर पर व्यावसायिक सेवा नहीं माना जा सकता। अब अगर इंटरकनेक्ट प्वाइंट जरूरत के मुताबिक नहीं होंगे तो कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ेगी और जियो के खुलकर मुफ्त बातचीत करने की कोशिशों को धक्का लगेगा। What's the difference in September 5th? Because nothing changed, right? The free offer had been there before. The free offer continues. So how long can you give a quote-unquote free promotional offer? देश में फिलहाल जो मोबाइल कंपनी कॉल के लिए पैसे लेती हैं, उनकी कमाई तभी बढ़ेगी जब उनके सिम से कॉल की जाएगी, ना कि उन पर कॉल आएगी। यानी आउटगोइंग से कंपनी को फायदा होता है, ना कि इनकमिंग से। मोबाइल ऑपरेटर के संगठन COAI का मानना है कि सामान्य तौर पर किसी टेलीकॉम नेटवर्क पर एक इनकमिंग कॉल के बदले एक आउटगोइंग कॉल होती है, लेकिन जियो का टेस्ट शुरू होने पर यह अनुपात बदलकर 10 इनकमिंग कॉल के बदले एक आउटगोइंग कॉल हो गया। अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जियो के कनेक्शन लेने के बाद यह अनुपात 15 इनकमिंग के बदले एक आउटगोइंग कॉल हो जाएगा। ज्यादातर कॉल जियो के सिम से होंगी और दूसरी कंपनियों के नेटवर्क पर पूरी होंगी। इससे दूसरी कंपनियों की कमाई भी घटेगी और कॉल पूरी करने का खर्च भी बढ़ जाएगा। अब सबकी नजर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के ऊपर है, क्योंकि सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि इंटर कनेक्टिविटी का मुद्दा ट्राई के दायरे में आता है। साथ ही लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक इंटर कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों को आपसी सहमति के आधार पर सभी पक्षों को मिलकर निपटाना चाहिए। जियो को लॉन्च करते समय मुकेश अंबानी ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों से अपील की थी कि वो जियो के ग्राहकों को हर सहूलियत देने में मदद करें। फिलहाल जिस तरह से जियो और बाकी टेलीकॉम कंपनियों का रुख है उसे देखकर लगता है कि ये मामला जल्द ही अदालत में पहुंचेगा। मतलब साफ है कि जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त में बातचीत करने का बवाल अदालतें ही खत्म कर पाएंगी। तब तक मुफ्त में बातचीत करने को लेकर मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ेंगी।